श्रृंगार का सामग्री जो है वो मेरी लाडो को चढ़ी है और सारी पूजन वगैरह सब इनकी यहाँ पूर्ण हुई। उसके बाद में जो आगे की तुलसी विवाह की पूजन वगैरह है वो सब शुरू हुई थी। और इस तरीके से देखिए सारा ही सबकी पूजन वगैरह हो चुकी है और अब मैं अपने लाला का लाली का जो श्रृंगार वगैरह है वो हल्का कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने दूसरे व्लॉग में। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी हरी बोल। और आज देखिए सभी ने लहंगा पहना, कितनी तो पूजा पूर्ण हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ लाला लाली के लिए अपने भोग बनाने के लिए। आज है आज की एकादशी का व्रत, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का ही होता है। और अभी मैं बना रही हूँ ये आलू के और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े। और आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी ना कोई बात कर पाई और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ बहुत कुछ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से ही मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है। मुझे बस कैसे, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लाला लाली की असीमो असीम कृपा से सब कुछ इतने अच्छे से पूर्ण हो गया। और अब मैं भैया को अपने लाडो को अपने भोग लगाऊंगी, फिर मेरे लाला लाली शयन पे जाएंगे। और ये पंच भीकू जो ये पांच दिन है, इस पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छे से जल्दी उठ के सुबह पूजन अर्चन करिएगा। देखिए कार्तिक स्नान जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम दिन होते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी हरी बोल।